press the bell icon on the YouTube app and never miss an. हमारा सबसे मजबूत दोस्त दुनिया में इंडिया का वो इंडिया ही है. We see ourselves as a pole. पाकिस्तान ये देखता है कि वर्ल्ड में दो ग्रेट पावर्स हैं. पाकिस्तान का नुक्ता नजर ये है कि या तो एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ अमेरिका है. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर. तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा. तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं. जय हिंद जय भारत. है कि इंडिया का ना, जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया की थ्योरी क्या है, इंडिया किस पॉलिसी पे चलता है. ठीक है, हमारा सबसे मजबूत दोस्त दुनिया में इंडिया का वो इंडिया ही है. वी सी ourselves एज अ पोल. पाकिस्तान ये देखता है कि वर्ल्ड में दो ग्रेट पावर्स हैं. पाकिस्तान का नुक्ता नजर ये है कि या तो एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ अमेरिका है. क्या हमें चीन के खेमे में जाना है या हमें अमेरिका के खेमे में जाना है? भारत कह रहा है नहीं, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, आप हमारे खेमे में आइए. ये देखिए, एक तो फर्क है. अगर हमें लगेगा कि हमारे फायदे में, मैं दोबारा बता रहा हूं कि हमारे फायदे में है, तो हम रशिया का सपोर्ट करेंगे. अगर हमें लगेगा कि हमारे फायदे, कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता. ये कश्मीर का नाम लेके जर्मनी क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? ये अपनी फौजें भेजेगा कश्मीर में. दूसरी चीज, ताहिर साहब ने बोली कि नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उस रेजोल्यूशन को फाड़ के इंडिया फेंक चुका है डस्टबिन में. इंडिया उस सिक्योरिटी रेजोल्यूशन को फाड़ के फेंक चुका है डस्टबिन में. इंडिया में कोई इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता. इट्स एंड ऑफ द स्टोरी. ये पाकिस्तान का एक रोमांस है उस सिक्योरिटी रेजोल्यूशन के साथ, 1948 का जो है, एक पाकिस्तान में रोमांस है. क्योंकि पाकिस्तान को पीढ़ी दर पीढ़ी ये समझाया गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. एक स्टोरी समझाई गई, कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा. और जितनी जल्दी पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए और एजुकेशन और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए, उतना जल्दी, आई थिंक उतनी जल्दी बेहतरी होगी. बाकी देखिए, हम तो पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकते. पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है. हम तो ये नहीं बोल सकते कि आप ये करिए नहीं करिए. ठीक है, एज अ फ्रेंड आई कैन ओनली गिव अ सजेशन टू टेक इट और नॉट टेक इट इज योर विश. तीसरी चीज है कि ये बातें उन्होंने बोला कि कश्मीरियों का टॉर्चर, ये कहां से उनको, कौन सी विकिपीडिया की और कौन सी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी है? ये कभी इंडियन कश्मीर आए नहीं, तो इनको जो व्हाट्सएप पे भेज देता है वही चीजें रिपीट करते हैं. पाकिस्तान के अक्सर सीनियर सहाफी यही करते हैं. 99% ऑफ देम हैव नेवर विजिटेड इंडियन कश्मीर. इंडियन कश्मीर में उतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है जितना पूरे पाकिस्तान में नहीं आ रहा. ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान कभी मानेगा नहीं. पाकिस्तान कभी क्यों नहीं मानेगा? आपके चाइनीज जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके शहद से मीठी आसमान से ऊंची, वो लोग थ्रू हांगकांग दे आर इन्वेस्टिंग इन कश्मीर. आपके मुस्लिम बिरादर मुल्क सब कश्मीर में आ रहे हैं. G20 का एक मीटिंग कश्मीर में प्लान्ड है. तो आलिया जी, बात यह है ना कि आप, मैं अगले साल की बात कर रहा हूं G20 की, जब सदारत उसकी भारत के पास होगी. तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान में एक नैरेटिव है कश्मीर को लेकर, राइट, कि कश्मीर ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर भारत को यह कर देना चाहिए. कश्मीरी हाथ जोड़ चुके हैं पाकिस्तान से. आप लोग कभी आइए यहाँ पे, बी आर गेस्ट, वी वुड लव टू होस्ट ऑल ऑफ यू. आप आइए और हम ले चलेंगे आपको कश्मीर. आप देखिए, कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कश्मीर में 5-स्टार होटल्स हैं, कश्मीर में ट्रेन जाती हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कश्मीर में बन रहा है, कश्मीर में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है. कश्मीर इज चेंजिंग एट अ वेरी वेरी रैपिड रेट. जो प्रोग्रेस कश्मीर में है उसको आप कंपेयर करिए पीओके में, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, उससे कंपेयर करिए. आपको जमीन आसमान का, वहां पे इंटरनेट ठीक से काम नहीं करता. एक फौजी कंपनी है जो वहां पे टेलीकॉम चलाती है. जो आपका जोंग है या आपका यूनिनॉर है, मैं छोटा सा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जोंग एंड यूनिनॉर को आप क्यों नहीं बोलते कि तुम लोग पीओके में जाओ, आजाद कश्मीर जिसको आप लोग कहते हैं, वहां पे जाओ और वहां पे बिजनेस करो? क्यों नहीं अलाउ करते? वहां पे क्यों पाकिस्तान आर्मी की कंपनी है, उसके कंट्रोल में कंपनी है जो पूरा वहां पे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर रन करती है? देखिए, बात यह ना कि जहां तक है कि उन्होंने, ताहिर साहब ने यह बोला कि ट्रेड होनी चाहिए. देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं शहबाज शरीफ का आज का स्टेटमेंट है, और मैं डॉन न्यूज कोट कर रहा हूं. शहबाज सेज एब्सोल्युटली विलिंग टू टॉक टू इंडिया बट ओनस ऑन न्यू दिल्ली टू टेक स्टेप्स फॉर मीनिंगफुल एंगेजमेंट. यानी कि मैं तैयार हूं नई दिल्ली से बात करने के लिए, लेकिन नई दिल्ली के ऊपर है, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल बनाए कि हम चाहते ही नहीं बात करना. मोदी जी ने हाथ जोड़ लिए, जयशंकर साहब ने हाथ जोड़ के बता दिया. हम ये हर रोज स्टेटमेंट देते हैं कि हम इंडिया से तब बात करेंगे जब इंडिया ये करेगा. इंडिया कह रहा है हमें नहीं बात करनी है, एंड ऑफ स्टोरी, कहानी खत्म हो गई. हमें बात नहीं करनी. मोदी जी ने हाथ जोड़ लिए, जयशंकर साहब ने हाथ जोड़ लिया. अब और किस तरीके से बताएं शहबाज शरीफ को, कौन सी जबान में बताएं? अब दोनों के दोनों पंजाबी तो बोलते नहीं, एक गुजराती एक साउथ इंडियन, इनको पंजाबी तो आती नहीं.
अब किस तरीके से बताते हैं शहबाज शरीफ को कि सर बस कर दो, अब नहीं, हम इंडिया विल नेवर टॉक टू पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूं अली जी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है, मैं बातें थोड़ी सी कड़वी बोल देता हूं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेजर ने गलत बात बोली है। मैं गलत बात नहीं बोलूंगा आपको, मैं सही बात बोलूंगा। इंडिया में जो पॉलिसी है, देखिए, जब भी भारत में क्या एक इमोशन है कि जब भी भारत ने हाथ बढ़ाया पाकिस्तान से धोखा मिला। पाकिस्तान में एक सेंसिंग है कि भारत ने कभी पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करा। कई पाकिस्तानी मुझसे कह चुके हैं भारत ने दिल से कभी तस्लीम, दिल से क्या तस्लीम करना है, आपका हाई कमीशन नई दिल्ली में, हमारा हाई कमीशन इस्लामाबाद में, और किस तरीके से तस्लीम करते हैं, दिल से गाने गुने लिखने, कोई शायरी लिखनी है तब दिल से तस्लीम होता है। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे मीनारे पाकिस्तान, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो थे मीनारे पाकिस्तान गए। मीनारे पाकिस्तान का जो इंपॉर्टेंस है एक पाकिस्तानी के लिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है, आपको मुझसे बेहतर पता है व्हाट इज मीनारे पाकिस्तान टू अ नॉर्मल पाकिस्तानी। भारत का प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाता है, भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर जाता है, जो कि आरएसएस से है, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ से। वो जाके मीनारे पाकिस्तान में कहते हैं कि ठीक है मैं यहां पे आया हूं और गिले शिकवे माफ। आपकी फौज वहां पे जमातुल इस्लामी छोड़ देती है और गुलाब जल से, रोज वाटर से उसको धोया जाता है कि यहां का काफिर आया था। उसके बाद कारगिल हो जाता है, ठीक है। मोदी जी अपने, जो मोदी जी ने इनॉग्रेशन था उसके लिए उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया। अब नवाज शरीफ को ही बुलाते क्योंकि वही प्राइम मिनिस्टर था, इमरान खान तो था नहीं ना। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि देखो मोदी ने बुलाया, अगर तुम होते तुम्हें बुला लेते। अब थे ही उस समय नवाज शरीफ, तो किसको बुलाना था उन्होंने, नवाज शरीफ को बुलाना था। जब पठानकोट एयरबेस में अटैक हुआ था और इंडिया ने बोला कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ने अटैक कराया है, तो पाकिस्तान ने बोला नहीं साहब, एज यूजुअल पाकिस्तान ने मना कर दिया। इंडिया ने परमिशन दी, आईएसआई की टीम आई थी हमारे एयरबेस के अंदर। कौन सा मुल्क अलाउ करता है आलिया जी, ये बताइए कौन सा मुल्क अलाउ करता है? क्या अगर हम लोग बोले कि हमारे इंटेलिजेंस की सर्विसेज या हमारा रॉ आपके बलूचिस्तान में या कोई और फ्रंट का जो एरिया, नॉर्थ नॉर्दर्न एरियाज आपके हैं, जिसको आप लोग खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, ये सब एरियाज में हम अगर बोले कि हम एक रॉ की टीम भेज रहे हैं आपके बिल्कुल फ्रंटलाइन एयरबेस पे, आप लोग अग्री करेंगे? आप लोग कभी अग्री नहीं करेंगे। हमने आईएसआई को एंट्री दी थी, फिर मियां साहब के घर में किसी उनकी बेटी की या उनके ग्रैंड डॉटर की किसी की तो शादी थी, तब कितना कर देगा कोई इंसान? कभी उड़ी हो जाता है, कभी पुलवामा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और करते रहते हैं। फिर पाकिस्तानी कहते हैं हम तो चाहते हैं लेकिन हमारी फौज ने। अब इंडिया देखिए, हमारा ट्रेड चल रहा था आलिया जी, आपको पता है, बंद इमरान खान ने करा, राइट। अब ऐसे नहीं हो सकता ना कि इमरान खान एक दिन बोले कि नहीं ट्रेड नहीं होगी, फिर बाकी पाकिस्तानी बोल रहे इंडिया तो चाहता ही नहीं हमसे दोस्ती करना। हाँ, अब यह बात सच है कि अब नहीं चाहता इंडिया दोस्ती करना, अब यह बात सच है, लेकिन आज से 2 साल पहले बात सच नहीं थी। इंडिया ने इतना कुछ हुआ लेकिन फिर भी इंडिया ने, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, जो अक्सर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया इंडिया के लिए, तो कोई मुझे पाकिस्तानी समझाए। मैं आपसे ही पूछता हूं, पाकिस्तान ने कब बढ़ाया दोस्ती का हाथ? बयान देने से नहीं होता, फिजिकल एक्शन क्या करा पाकिस्तान ने कि दोस्ती का हाथ, तो आप बता दीजिए हमें, एक मुझे भी थोड़ा सा मेरी भी इल्म में इजाफा हो जाए कि पाकिस्तान ने ये एक्शन लिया जिससे हम प्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको 4-5 एग्जांपल दे दिया।